नमस्कार। जैसा कि आप लोग आजकल अखबार में रोज देख रहे होंगे कि रोजगार संबंधित न्यूज देखने को मिल रहा है, और ऐसे में आज की बात करें तो अखबार में आपको पंचायती राज विभाग, पंचायती राज नाम सुन के ही बहुत सारे लोगों के अंदर उम्मीद की किरण जाग जाती है कि काश हमारी भी नौकरी पंचायती राज विभाग में हो जाए। इसका कारण मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बात सच है। तो आज के अखबार में फ्रेंड्स आपको 15,000 पदों पर बहाली होने की बात कही गई है, और कल की अखबार की बात करें तो आपको 3630 पदों पे आपको न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव की भर्ती होने की बात कही गई थी, जिसमें जिलावार हर जिले की बात करें तो किस जिले में कितनी रिक्ति हैं उसका भी ब्यौरा दिया गया था, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सकता है आपने अखबार पढ़ा होगा तो आपके पास इसका इन्फॉर्मेशन पहले से होगा। बाकी की प्रक्रिया कैसे क्या होगी उसके विषय में आपको पूरी जानकारी इसमें वीडियो में हम आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उससे पहले आज जो ये 15,000 पदों की भर्ती की बात कही गई है अखबार के माध्यम से, तो इसमें कितने जो पोस्ट है, कितनी पदे हैं जो बिल्कुल नई हैं, और कितनी पदे हैं जो पहले से भरी जा रही हैं, ये जानने की आपको आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनको खुद भी नॉलेज की कमी है और वो कुछ भी आके बता देते हैं, और ऐसे में हमारी मासूम भोली भाली जो जनता है, जो लोग मतलब सच में नहीं समझ पाते हैं वो लोग विश्वास कर लेते हैं और इंतज़ार में अपना समय वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 15,000 पदों की जो बात है, इसमें से फ्रेंड्स आपको 29 पद जो है पंचायती राज पदाधिकारी की, ये BPSC, ठीक है, पंचायती राज पदाधिकारी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखिए तो ये BPSC के थ्रू भरा जा रहा है। ऑलरेडी इसका मतलब 70वीं जो BPSC आप अप्लाई कर रहे होंगे वर्तमान में, उसके थ्रू भरा जा रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 366 पद जो है अंकेक्षक की नियुक्ति, ये भी आपको BPSC के अंतर्गत भरा जा रहा है। और आप यहाँ पे देखिए निम्न वर्गीय लिपिक 504 पद यहाँ पे आप देख सकते हैं, और साथ में पंचायत सचिव के 3532 पद, ठीक है, ये आपको बिहार SSC के माध्यम से पहले ही आवेदन हो चुके हैं, अब इन पे एग्ज़ाम की प्रक्रियाधीन है। जैसे कि आपको पता है कि इंटर स्तरीय का जो एग्जामिनेशन है वो जल्द से शुरू होने वाला है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात है कि यहाँ पर नया क्या है, तो 2096 पद जो है फ्रेंड्स आपको ये तकनीकी सहायक के लिए नया है, जो अभी नहीं भरा गया है, और जल्दी ही इस पर आवेदन लिया जाएगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ में आपको जो 1504 ग्राम कचहरी सचिव हैं और 2304 न्याय मित्र है इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, 3630 पदों के भर्ती के बारे में, ठीक है। 6570 यहाँ पे जो पद है लेखापाल के, इसके लिए आवेदन ऑलरेडी हो चुका है, और बहुत जल्दी इस भर्ती को पूरा करके मार्च तक टारगेट रखा गया है कि नए लेखापालों की ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, ठीक। तो अभी है कि फ्रेंड्स आपको 3630 जो न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू होगी। टारगेट रखा गया है कि 2 महीनों के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करा दी जाए और ज्वाइनिंग भी करा दी जाए। तो ऐसे में मान के चलिए कि इसी महीने में आपका ये आवेदन शुरू हो जाएगा। 3630 पदों पे जो न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होगा, ये क्लियर कर दिया गया है। यानी कि जो आपका जो सिलेक्शन होगा, जो प्रक्रिया होगी, वो केवल मेरिट के आधार पर होगी, यानी कि आपके प्रतिशत अंकों के प्रतिशत के आधार पर, यानी कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, उसके आधार पर आपका चयन कराया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कि उम्र सीमा क्या है, तो जैसे कि बिहार में किसी भी वैकेंसी की बात करें तो 18 से 37 वर्ष सामान्य जाति के मेल पुरुषों के लिए यहाँ पे रहता है, 18 से 37 वर्ष सामान्य जाति या EWS के कैंडिडेट के लिए। महिला अगर आप हैं यानी कि फीमेल कैंडिडेट है, तो 18 से 40 साल की उम्र तक में भी आप आवेदन कर सकती हैं, चाहे आप सामान्य जाति या EWS जाति की भी क्यों ना हो, ठीक है। EWS जाति नहीं, मतलब सवर्ण जो सामान्य जाति के ही कैंडिडेट होते हैं जिनको 10% अलग से आरक्षण मिला होता है। OBC की बात करें, जिसके अंदर फ्रेंड्स आपको BC1 और BC2 कैटेगरी होती है, यानी कि पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति, इनको 18 से 40 साल तक की उम्र में आवेदन करने का मौका किसी भी वैकेंसी में रहता है। SC ST के कैंडिडेट की बात करें, यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट को 18 से 42 साल के पुरुष हो या महिला, दोनों को यहाँ पर मौका मिलेगा। दिव्यांग की बात करें, 18 से 47 वर्ष के जो दिव्यांग हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको काम के बारे में बता देता हूं। ग्राम कचहरी सचिव का जो काम होता है विशेषतः, वो आपको होता है सचिव रजिस्टर की देखभाल, यानी कि जो पंजी होती है ना, जो भी आप रजिस्टर मेंटेनेंस का जो काम आप देखते हैं कि जो भी
लिखा पढ़ी का काम बोलते हैं जिसको, तो वो सचिव देखते हैं, ये ग्राम कचहरी सचिव जिनकी नियुक्ति होगी वो देखेंगे, मामलों को दायर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है ये देखेंगे, सरपंच के कार्यों में सहायता करेंगे, ठीक है, ग्राम में जो आपका सरपंच होते हैं मुखिया के ऊपर जो मतलब जो चीज़ों को देखते हैं और मैनेज करवाते हैं, ठीक है, सरपंच आपको पता होगा मुझसे बेटर, ठीक है, क्योंकि अगर आप गांव के कैंडिडेट जो भी देख रहे होंगे उनको सरपंच का काम ज़्यादा भलीभांति पता होगा, तो उनको ये ग्राम कचहरी सचिव हेल्प करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए न्याय मित्र की बात करें तो ये क्या करेंगे, न्याय मित्र पुराने लंबित पड़े मुकदमों की सुनवाई करवाएंगे, ठीक है, जो कि आपको अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि बढ़ते हुए मुकदमों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि बहुत सारे मुकदमे बिहार के अंदर रजिस्टर, पूरे देश में रजिस्टर किया जाना, केवल बिहार की बात नहीं है, तो ऐसे में इन मुकदमों का कैसे जल्दी से निपटारा हो इसी को ध्यान में रखते हुए इन दोनों पे पदों पे भर्ती की शुरुआत की जा रही है। अभी फ्रेंड्स आपको इनके पदों की बात मैं बता दूं तो देखिए एक जो तकनीकी सहायक का पोस्ट है इसके बारे में अभी बताऊंगा, पहले ये दोनों बता देता हूँ। ग्राम कचहरी सचिव, इस पद के लिए आप कम से कम इंटर पास होने चाहिए, सब्जेक्ट कोई भी हो, इंटर आर्ट्स के साथ हो, साइंस के साथ हो, कॉमर्स के साथ हो, आप आवेदन कर पाएंगे। 1504 टोटल पदों की संख्या है और सैलरी 6000 रुपये है, और इस पे अभी मामला लंबित है कि जल्दी से जल्दी इन लोगों का मानदेय बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 6000 आजकल तो मतलब एक हफ्ता भी नहीं चलेगा अगर सही से बात किया जाए तो, मतलब अगर खर्चा हो जाए घर परिवार जिनका है तो एक हफ्ता भी उनका घर परिवार नहीं चलेगा, ठीक है। न्याय मित्र की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको LLB विधि स्नातक जिसको बोलते हैं, ठीक है, लॉ से जो संबंधित छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे 2304 पदों की संख्या है और यहाँ पे इनका वेतन 7000 है। एक LLB किया हुआ कैंडिडेट अगर 7000 रुपये महीने कमाता है तो इससे बड़ा रोना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मामला लंबित है, हो सकता है कि इनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब तकनीकी सहायक वाले जो कैंडिडेट हैं, यानी कि ये टेक्निकल, यहाँ पे डिप्लोमा मैंने लिख दिया है, ब्रांच अभी मेंशन नहीं है कि कौन सा ब्रांच एलिजिबल हो जाएगा इस वैकेंसी में, ये BTSC के माध्यम से कराया जाएगा, अलग से इस पे वैकेंसी निकाली जाएगी बिहार तकनीकी सेवा आयोग से, और इसके लिए एक अलग वीडियो, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जूनियर इंजीनियर के 6000 पद जो लंबित थे कोर्ट में उन पे फैसला आ गया है कि जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति कराई जाए, तो उसके साथ मैं तकनीकी सहायक वाली वीडियो अगले वीडियो में या फिर जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर आप लोग को बना के प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो जेन्युइन अपडेट है पूरा यहीं पे मिलता है, ठीक है। ताकि फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बोला कि न्याय मित्र और ये जो ग्राम कचहरी सचिव के जो पद हैं इसमें आपका एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता है, आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम प्रॉपर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि फॉर्म निकल जाए और अभी आप डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी ही ना हो। ऐसे में आपको क्या क्या कागज सबसे इंपॉर्टेंट रखते हैं, सबसे पहले तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र जो होना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कभी भी कोई मेरिट बनाने में, या फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, गलत आप देंगे तो हो सकता है कि आपका वहाँ पे पात्रता रद्द कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा तो नहीं हो रहा है ना, तो बाकी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही आपका मेरिट बनेगा, और ऐसे में आप गलत अगर डॉक्यूमेंट्स देंगे तो फिर क्या ही इंप्रेशन आपका बनेगा। तो जाति प्रमाण पत्र में जो EWS के कैंडिडेट हैं, सवर्ण वाले, या फिर OBC के जो कैंडिडेट हैं, नन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करवाते हैं वो जल्दी से जल्दी बनवा लीजिएगा, क्योंकि हर एक साल बनवाना होता है, 1 साल के अंदर का होना चाहिए NCL या फिर आपका EWS सर्टिफिकेट 1 वर्ष के अंदर का होना चाहिए। बाकी अगर आप SC ST की बात करें तो उनका 1 साल से पुराना है, 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन लोगों को बनवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप EWS या OBC के कैंडिडेट हैं, OBC में जो NCL होता है, नन क्रिमिलियर, वो आपको 1 साल के अंदर का होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपका बनवा लीजिएगा, ठीक है, 1 साल के अंदर का ये भी होना चाहिए, और जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं यानी कि मार्कशीट्स, ये सारे अभी तक आपने अगर यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में छोड़ के रखा हुआ है प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट के अलावा जो एक आपको प्रमाण पत्र मिलता है जिसको सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो जरूर निकलवा लीजिएगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें जेन्युइन जिनके पास होंगी उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, अगर आप कुछ गलत दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं तो आपके ऊपर ऑब्जेक्शन हो जाता है, आपको होल्ड पर रख दिया जाता है, तो इन सारे झंझट से बचने के लिए, टेंशन फ्री रहने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर अभी ही बनवा लीजिए, और हो सकता है कि अगले वीक में ही इसका फॉर्म निकल जाए और आप कुछ ना करवा पाएँ, क्योंकि बहुत सारी छुट्टियाँ हैं, इसको ध्यान में रखते हुए ज़रूर से ज़रूर इस पर ज़रूर फोकस करिएगा, इसको ज़रूर तैयार करवा लीजिएगा।
तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, क्लियर। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।